हेलो दोस्तों, दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पार्ट वन और टू हमने सोल्व कर दिया था, ये पार्ट थ्री है। पार्ट टू में हमने क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन 12 तक सोल्व किया था, ये पार्ट थ्री है। पार्ट थ्री में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है वाई बराबर कोश इनवर्स, उसके बाद है 2x/1+x². तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.3 पार्ट टू क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में दिया है वाई बराबर कोस इनवर्स ब्रैकेट में 2x/1+x². ओके दोस्तों, क्वेश्चन 13 में ये दिया है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका dy/dx का वैल्यू निकालना है। ओके दोस्तों, क्या निकालना है, dy/dx का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में इसका निकालना है। ओके तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मानेंगे, तो लिखेंगे माना, हम इसमें मानेंगे एक्स बराबर टेन थीटा। ओके, जब एक्स बराबर टेन थीटा हमने इसमें माना, अगर हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाले तो थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ओके दोस्तों, उसके बाद फिर से क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या हमारा, वाई बराबर कोस इनवर्स ब्रैकेट में 2x/1+x². ओके, इसके बाद जहाँ जहाँ पर भी एक्स है, जहाँ जहाँ पर भी एक्स है उसी के स्थान पर हमें क्या रख देना है, उसी के स्थान पर हमें टेन थीटा रख देना है। तो चलिए करते हैं, तो वाई बराबर कोस इनवर्स 2x, लेकिन x के स्थान पर हमें क्या करना है, टेन थीटा 1+x², लेकिन x के स्थान पर हमें क्या करना है, टेन थीटा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्मूला है 2 tan θ 1+tan²θ बराबर जो होता है वो होता है sin²θ। ओके तो देखें, 2 tan θ/1+tan²θ बराबर जो होता है वो होता है sin²θ। तो हम ऐसा करेंगे, 2 tan θ/1+tan²θ इसके स्थान पर हम sin²θ रख देंगे। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये sin²θ का फॉर्मूला है। ओके, तो y बराबर कोस इनवर्स इसके स्थान पर हम क्या रखना है, sin²θ। ओके, तो हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें कैसे भी करके इस कोस इनवर्स को यहाँ से काटना होता है। ओके दोस्तों, क्या करना है, हमें कैसे भी करके इस कोस इनवर्स को यहाँ से काटना होता है। तो अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो नहीं कट रहा, तो हमें ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर एक कोस आए ताकि इसको हम आपस में काट सके। तो हम इसको यहाँ पर कोस कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पर कोस π/2 -2θ बराबर जो होता है वो sin²θ होता है। ओके दोस्तों, कोस π/2 -2θ बराबर क्या होगा दोस्तों, sin²θ होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोस π/2 मतलब क्या होता है, 90। कोस 90 - θ क्या होता है, कोस 90 - θ जो होता है वो sin θ होता है। तो इसी तरीके से कोस π/2 - 2θ बराबर जो होगा वो sin²θ होगा। ओके, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, cos π/2 - 2θ इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो y बराबर कोस इनवर्स हमने क्या लिखा है यहाँ पर, cos π/2 - 2θ। ओके दोस्तों, उसके बाद अब देखिए, इस कोस इनवर्स से वाला कोस यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर बचेगा वाई बराबर π/2 - 2θ। ओके, उसके बाद वाई बराबर π/2 - 2θ का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू हमारा टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा के स्थान पर थीटा का वैल्यू रख दीजिए, टेन इनवर्स एक्स। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका अवकलन करना है। तो लिखिए एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले इसका अवकलन होगा, तो क्या आ गया, dy/dx बराबर, उसके बाद इसका होगा तो इसका तो जीरो हो जाएगा, उसके बाद इस -2 tan inverse x का होगा, तो इस 2 को बाहर ले लीजिए, इंटू tan inverse x क्या होगा दोस्तों, tan inverse x का होता है दोस्तों कि 1 + 1/1+x², ये होता है हमारा tan inverse x का। तो dy/dx बराबर इस 2 का मल्टीपल इसके कीजिए, तो 2 1+x². ओके दोस्तों, हमें इसमें क्या निकालना था, हमें इसमें dy/dx का वैल्यू निकालना था, तो dy/dx का वैल्यू हमारा ये निकल करके आया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है वाई बराबर साइन इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट 2x/√1 - x². तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है वाई बराबर साइन इनवर्स फिर ब्रैकेट
टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके दोस्तों, हमें 14 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मानेंगे, तो लिखेंगे माना, हम इसमें मानेंगे एक्स बराबर साइन थीटा। जब एक्स बराबर साइन थीटा हमने इसमें माना, अगर हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालें तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स। ओके, क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। ओके, उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन को लिख लेंगे, क्वेश्चन है हमारा वाई बराबर साइन इनवर्स फिर अब ब्रैकेट टू एक्स फिर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके दोस्तों, हमने फिर से क्वेश्चन को लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जहाँ जहाँ पर भी एक्स होगा, जहाँ जहाँ पर भी एक्स है उसी के स्थान पर हमें क्या रख देना है, उसी के स्थान पर हमें साइन थीटा रख देना है। तो चलिए करते हैं, तो वाई बराबर साइन इनवर्स फिर है टू एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पर हमें क्या रखना है, साइन थीटा फिर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स के स्थान पर हमें क्या रखना है, साइन थीटा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला देखिए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा। ओके, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा। ओके दोस्तों, तो हम इसमें यही फॉर्मूला लगा देंगे, तो वाई बराबर साइन इनवर्स टू साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है दोस्तों वो होता है कोस स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद वाई बराबर साइन इनवर्स फिर टू साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अंडर रूट है और यहाँ पर ये कोस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो इस अंडर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा थीटा, मतलब ओनली कोस थीटा। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा जो होता है वो होता है कोस टू थीटा। ओके, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर जो होता है वो होता है दोस्तों साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। ओके, तो हम इतने के स्थान पर साइन टू थीटा रख देंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। तो वाई बराबर साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, साइन टू थीटा का। ओके, अब देखिए, इस साइन इनवर्स वाला साइन यहाँ पर कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचेगा वाई बराबर टू थीटा। ओके, या वाई बराबर टू थीटा का वैल्यू क्या था, साइन इनवर्स क्या था, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर। ओके, तो इसका वाई का सबसे पहले डी वाई डी एक्स लिखिए, सबसे पहले कीजिए वाई का, फिर बराबर फिर डी वाई डी एक्स, फिर किस करना है, टू साइन इनवर्स एक्स करना है। ओके, तो इसका तो डी वाई बाई डी एक्स हुआ बराबर, इस टू को बाहर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है वन बाई फिर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखिए डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर इस टू का मल्टीपल इस वन के साथ कीजिए, आएगा टू फिर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें दिया 15 नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है वाई बराबर शेक इनवर्स उसके बाद है ब्रैकेट वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है वाई बराबर शेक इनवर्स वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी मानेंगे, तो लिखेंगे माना, हम इसमें मानेंगे एक्स बराबर कोस थीटा। जब एक्स बराबर कोस थीटा हमने इसमें माना, अगर हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। ओके, उसके बाद फिर से क्वेश्चन को लिख लीजिए, तो क्वेश्चन है हमारा वाई बराबर शेक इनवर्स वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके दोस्तों, हमने क्वेश्चन को लिख लिया,
इसके बाद जहां जहां पर भी एक्स है, जहां जहां पर भी एक्स है, एक्स के स्थान पर हमें क्या रख देना है, एक्स के स्थान पर हमें कोश थीटा रख देना है। तो चलिए रखते हैं, तो वाई बराबर शेक इनवर्स 1/2x, लेकिन एक्स के स्थान पर क्या रखना है, कोस थीटा, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस वन। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिए फॉर्मूला है हमारा कि 2 cos² θ - 1 जो होता है वो होता है cos²θ, 2 cos²θ - 1 जो होता है दोस्तों वो होता है cos²θ। तो हम ऐसा करेंगे कि इसके स्थान पर हम cos²θ रख देंगे। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो cos²θ का फॉर्मूला है। तो y बराबर शेक इनवर्स 1/, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, cos²θ का, cos²θ। ओके, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला फिर से बन रहा है कि 1/cos²θ क्या होता है, देखिए 1/cos²θ जो होता है वो होता है sec θ होता है दोस्तों। ओके, क्या होता है, sec θ होता है, 1/cos²θ क्या होता है, sec θ होता है, लेकिन ये 1/2 θ है, क्या है दोस्तों, 1/cos²θ है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा sec²θ। ओके, तो वाई बराबर sec इनवर्स 1/cos²θ क्या होगा दोस्तों, sec²θ। ओके, अब देखिए दोस्तों इस sec इनवर्स से वाला sec यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर बचेगा 2θ, तो y बराबर क्या बचा, 2θ। ओके, उसके बाद y बराबर 2θ, थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, थीटा का वैल्यू हमारा था cos इनवर्स x, तो थीटा के स्थान पर थीटा का वैल्यू रख दीजिए, देखिए थीटा का जो वैल्यू था वो था cos इनवर्स x। ओके, अब हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर। ओके, तो सबसे पहले इसका होगा y का, तो लिखेंगे dy dx, सबसे पहले किसका होगा, y का होगा बराबर, फिर dy dx किसका होगा, 2 cos inverse x का होगा। ओके दोस्तों, तो इसका तो dy/dx हुआ बराबर, फिर इस 2 को पढ़ लीजिए, उसके बाद cos inverse x का क्या होता है दोस्तों अवकलन, देखिए ये आपकी बुक में दिया है कि cos inverse x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का 1/√1 - x². ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्या था, माइनस का 1/√ में था 1 - x². ओके दोस्तों, अब इस 2 का मल्टीपल इसके याद कीजिए, तो dy/dx बराबर, ये 2 - का हुआ 1√1 - x². ओके दोस्तों, तो हमें dy/dx का वैल्यू इसमें निकालना था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और एक्सरसाइज नंबर 5.4 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।